उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नशे में धुत दो रईस जादू ने तकरीबन आधा दर्जन लोगों को कार से कुचल डाला। रफ्तार इतनी तेज थी कि होटल में खाना खा रहे लोगों को रौंदते घसीटते हुए कार एक शौचालय से टकरा कर रुक गई। मौके पर मौजूद भीड़ ने कार चालकों को पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। इस हादसे में घायल एक शख्स ही की हालत गंभीर है, जबकि अन्य सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक थाना हजरतगंज क्षेत्र के डालीबाग में रहने वाले गणेश गुप्ता राणा प्रताप चौराहे के पास फुटपाथ पर होटल चलाते थे। देर रात में वह ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। उसी दौरान बेकाबू कार ने सबसे पहले रिक्शा चालक को मारी, उसके बाद कपास में खड़ी स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर मारते हुए गाड़ी शौचालय की दीवार से टकरा कर रुक गई। टक्कर लगने के बाद भीड़ ने आरोपी कार चालकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस भयानक हादसे में शिवम, गणेश, दिलीप सहित अन्य तीन लोगों को चोटें आई हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी नशे में धुत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीसीपी राघवेंद्र मिश्रा के मुताबिक नशे में धुत कार सवार फारूक और अक्षय ने कई लोगों को जोरदार टक्कर मारी है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। बता दें कि बीते अप्रैल माह में भी लखनऊ में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई थी। शहर में एक बर्थडे पार्टी के दौरान रईस जादू ने बीच सड़क पर जमकर फायरिंग की थी। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।